22 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग दौरे को देखते हुए कांग्रेस विधायक और महापौर द्वारा लगातार की जा रही बैठकों व सभा को सफल बनाने की जिस प्रकार से कोशिश हो रही है, उस पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी केश चौहान ने कहा है कि जिस प्रकार विधायक व महापौर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल करने के लिए प्रयासरत हैं, उसी तरह दुर्ग शहर की मूलभूत समस्याओं को हल करने प्रयास करना चाहिए। सिर्फ आला कमान की ही चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। केश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। यहाँ के महापौर विधायक सभा स्थल की 3-3 घंटे का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का, और मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं उसमें लाखों रुपए खर्च भी होने वाले हैं। अगर वो कोई घोषणा करने भी वाले हैं तो वैसे ही कर दें, और ये तो उनका गृह जिला है तो इतना लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है। दूसरी बात, वो 3-3 घंटे यहाँ पर सभा स्थल पर का निरीक्षण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमला लगा रहे हैं और सभाएं ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने 1 घंटा भी यहाँ के मुख्य मार्ग जो इतनी धूल से सना हुआ है, जिसमें बिजली नहीं है और जहाँ पर आए दिन छुटपुट घटनाएं होती रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो क्या आपने उस चीज का जायजा लिया? क्या आपने वो चीज का निराकरण करने की कोशिश की? इसका मतलब ये है कि आप अपने पदाधिकारियों के लिए और अपने जो आपके आला कमान है उसके लिए आप विधायक बने महापौर बने कि जनता के लिए बने? जनता ने आपको चुना है, आपको महापौर विधायक बनाया है कि आपके पदाधिकारियों ने बनाया है? आपका दायित्व तो किसके प्रति है? आपका दायित्व तो जनता के प्रति है। जो मुख्य मार्ग है उसका निराकरण करिए और जो साइड की रोडें हैं उसकी जो जर्जर हालत है उसमें अपने मुख्यमंत्री जी को लेके जाइए, दिखाइए। सिर्फ वहां पर जो उनका रोड मैप है वो आप रोड अच्छी कर देंगे उसके बाद भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप उनको लेके जाइए कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है उसका आपको निराकरण करवाइए। ये ऐसा नहीं होता है कि आप स्वागत करें और उनको खुश कर दें और वहां से रवाना कर दें। आपको उनकी मूलभूत समस्याओं के दुरुप की मूलभूत समस्याओं से रूबरू करवाना चाहिए। यहाँ के विधायक सोए रहते हैं जब 17 दिन मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल पे है चिलचिलाती धूप में, उनसे रूबरू करवाइए अपने मुख्यमंत्री जी को। उनको बोलिए कि निराकरण करें पहले, सबसे पहले इनके कर्मचारियों का जो आपने मैनिफेस्टो में लिख के लिया हुआ था, ये तो आपको करना नहीं है। आप तामझाम करके लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आएंगे और चले जाएंगे, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं। आप एक जनप्रतिनिधि पहले हैं, उसके बाद अपनी कोई पार्टी के नेता हैं। आपसे आग्रह है कि आप पहले दुर्ग की जनता से उनको रूबरू कराएं, वहां यहाँ की मूलभूत समस्याओं से उनको रूबरू कराएं, सिर्फ तामझाम में मत रहें।